वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बेबी चौबे और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो आज हम राजमा बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आप सबको पसंद होता है राजमा, तो आज हम राजमा की रेसिपी डाल रहे हैं, राजमा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 200 ग्राम राजमा लिए हैं और इसे हम रात में पानी में भिगो दिए थे। लगभग 8-10 घंटे हमारा पूरी रात मैंने भिगोया रहा और अब हम इसे अच्छा से 2 पानी धो लिए हैं और फिर इसे हम कुकर में डालेंगे। एक बार ज़रूर बनाए, बहुत अच्छा लगता है। राजमा चावल तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा लगता है, खास करके दिल्ली में बहुत खाने को मिलता है राजमा चावल। और इसमें हम लगभग 1 गिलास के लगभग हम पानी डाल रहे हैं और 2 हम बड़ी इलायची डाल रहे हैं और 1 हम दालचीनी डाल रहे हैं, 1 तेजपत्ता डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे या घर में खाने वाला सोडा हो वो भी हम डाल देंगे। तो 1 चुटकी हम डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा जो राजमा है जल्दी पक जाए। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसका 2 सीटी लगाएंगे। अब इसे हम 2 सीटी लगा लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम 3 सीटी लगाए हैं। अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं कि हमारा राजमा पक चुका है कि नहीं। ये देखिए हमारा राजमा तो और फूला फूला दिख रहा है, लेकिन हमारा राजमा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ये हो गया है। हाँ, तो कढ़ाई हम रख लिए हैं, तेल या रिफाइन आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जीरा पाउडर हम नहीं डालेंगे, ये खारा जीरा डालेंगे, इसीलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा डाले हैं। और ये थोड़ा सा ब्राउन होगा तब हम प्याज डालेंगे इसमें। प्याज हम 1 बड़े साइज का काटे हैं क्योंकि हमारा जो राजमा था वो हमारा 250 ग्राम था, तो 1 हम प्याज लिए हैं क्योंकि इसका प्यूरी बनाना है। और 1 बड़े साइज का टमाटर लिए हैं। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे जीरा को। ब्राउन हो चुका है जीरा हमारा, तो इसमें हम अब प्याज डाल देंगे। और आज हमारा मीडियम रहेगा। प्याज को ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का सा नरम करना है। प्याज में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारा जो प्याज है जल्दी नरम हो जाएगा नमक डालने से। राजमा चावल तो सबको पसंद है, कहीं भी हम जाते हैं तो राजमा चावल जरूर खाते हैं। खास करके दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे जरूर खाते हैं, वहाँ तो और प्रसिद्ध है, सारे लोग राजमा चावल खाते हैं वहाँ। ये देखिए प्याज हमारा नरम हो रहा है। अब इसमें हम जो 1 टमाटर काटे थे बड़े साइज का वो डाल देंगे। थोड़ा सा और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और इसे हम धीरे धीरे चला लेंगे बराबर से। टमाटर हमारा नरम हो रहा है तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए हैं, तो इसे हम डाल देंगे। ये हम 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अब इसे भी थोड़ा देर हम 1 से 2 मिनट इसमें हम भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज टमाटर और लहसुन अदरक सारे हमारे पक चुके हैं, अच्छा से प्याज भी नरम हो चुका है,
तो अब इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी जार में। हाँ तो ये देखिए कढ़ाई हम चढ़ा लिए हैं और इसमें रिफाइंड डाल लिए हैं और ये जो मसाले हम हैं इसको हम ग्राइंड कर लिए हैं। तो हम तेल में थोड़ा सा हम 2 लाल मिर्च डालेंगे और इसे हम लाल करेंगे, थोड़ा सा इसे हम यही करेंगे पकाएंगे। और उसके बाद से हम इसमें जो प्याज टमाटर का जो पेस्ट बनाए हैं इसे हम डाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमारा चक्का डाल दिए थे, ये जो मसाले हैं उल्टा है डालने पर, और ये ठीक हो गया। अब इसे हम चला लेंगे। इसका कलर देख रहे हैं ना कितना अच्छा आ रहा है। और इसमें थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर हमारा 1 चम्मच है, 1/2 चम्मच से 1 चम्मच है, तो इसे हम डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लगभग 1/2 चम्मच के अनुसार डालेंगे। और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे। मसाले तो हम डाल दिए, अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। और इसका कलर देख रहे हैं ना कितना अच्छा आया है, इतना ही अच्छा स्वादिष्ट और लाजवाब हमारा ये राजमा होगा। आप एक बार ज़रूर बनाएं और बनाकर ये घर बैठे खाएं, बहुत अच्छा लगेगा खाने में राजमा और चावल। तो इसे हम थोड़ा देर पकाएंगे। ये देखिए हमारे मसाले भुना रहे हैं, थोड़ा सा और भुनेंगे, 2 से 3 मिनट और हम भुनेंगे। जब मसाले में तेल छोड़ने लगे, मसाले अलग और तेल अलग, आपको दिखाई दे रहा होगा तेल अलग हमारा दिखाई दे रहा है, मसाले अलग दिखा रहे हैं, तब समझ लीजिए कि मसाला अच्छी तरह से भुना रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 चम्मच के अनुसार डाल लेंगे। बस अभी से हम मिला लेंगे। मसाले की तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। तो और इसे हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। ये देखिए मसाले तो हमारे बिल्कुल भुना चुके हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अब हम इसमें राजमा डालेंगे जो हम बॉईल किए हैं। राजमा आप ऐसे ही बॉईल करें, अब इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे अच्छा से। ये देखिए मिला लिया अच्छे से। सबसे बड़ी बात है कि इसका कलर कितना अच्छा आया है और स्वाद भी उतना ही अच्छा आया है, स्वाद में भी कोई कमी नहीं होगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इसे मिला लिया है, 2 मिनट ऐसे हम रखेंगे, 1 मिनट रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं। तो ऐसे हम 1 मिनट के लिए भून रहे हैं इसे। अब इसे हम भून लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि हम मसाले में भी थोड़ा सा नमक डाले हैं और जब राजमा बॉयल कर रहे थे उस समय भी नमक डाले हैं। तो नमक हम अपने अंदाज से थोड़ा सा डालेंगे, आप अपने अंदाज से डालिए। और इसे हम मिला लेंगे अच्छा से, पूरी तरह से चला लेंगे। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। राजमा चावल की तो बात ही अलग रहती है, कुछ अलग ही ये डिश है। ये देखिए कलर हमारा, ग्रेवी आपको जितना रखना है उतना आप अपने अंदाज से रखें। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाले हैं, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें क्योंकि जब बॉयल होगा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा और हो जाएगा। तो इसमें हम डाल दिए। अब इसमें हम जब ये खौलने लगेगा, जब बॉयल होने लगेगा, तो थोड़ा सा एक चीज़ की और कमी है इसमें, हम इसमें गरम मसाला अभी नहीं डाले हैं।
तो जब ये बॉयल होने लगेगा तब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो इसे हम छोड़ देते हैं और उबलने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक चीज़ हमें और इसमें डालनी है, तो ये हरी मिर्च है, दो हरी मिर्च हम लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। इसका स्वाद अलग आता है, ये हरी मिर्च खाने में और अच्छा लगता है। तब थोड़ा सा और हम उबलने देंगे इसमें। राजमा तो उबलने लगा, तो अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। सब मिला लेंगे और ये हरी मिर्च आप जब खाएंगे ना तो इसका स्वाद कुछ अलग आता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। चलिए हम थोड़ा देर और इसे उबलने देते हैं। ये देखिए हमारा राजमा तैयार हो गया बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा आया है और इसका ग्रेवी देखिए कितना अच्छा ग्रेवी हुआ है। देख रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है, तो देख लीजिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है। तो अभी से हम सर्व कर लेंगे और गैस को ऑफ कर लेंगे। ज़्यादा हम ग्रेवी पतला नहीं किए हैं, बिल्कुल गाढ़ा ग्रेवी है और राजमा तो एकदम अच्छा हुआ है, बिल्कुल स्वादिष्ट। तो चलिए हम इसे चावल के साथ सर्व करते हैं। ये देखिए हम चावल के साथ सर्व कर रहे हैं और राजमा हमारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए आप हमारे राजमा के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए और घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए। और ज़्यादा ज़रूरी पड़े तभी घर में बाहर जाइए, और जाइए तो मास्क लगाकर जाइए, सैनिटाइजर कीजिए, और आपको ये लगे तो आके नहा लीजिए, उसके बाद ही घर में इन कीजिए। देख रहे हैं हमारा राजमा चावल, देखिए कितना अच्छा इसका ग्रेवी हुआ है और कितना अच्छा कलर और स्वादिष्ट भी उतना ही अच्छा आया है। तो आप हमारे राजमा के साथ एंजॉय कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाहर ना निकलिए, घर में ही रहिए, अधिकतर समय आप घर में बिताइए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता का कमी था तो इसे हम डाल देंगे, ऊपर से हम डाल रहे हैं। और आप हमारे रेसिपी ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा राजमा, कैसा लगा। और ये वीडियो को हमारे ज़रूर लाइक करें, कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा। और स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।